Yes. सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि कैसे हम लोग हमारे ओल्ड सोशल मीडिया को न्यू सोशल मीडिया में ऐड कर सकते हैं, या फिर ओल्ड सोशल मीडिया जो भी हमारा है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल प्ले का कोई अकाउंट हो गया, सो उसको हम लोग कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे न्यू VGMI या PUBG के अकाउंट में। जैसे कि न्यू हमारा फेसबुक हो गया, न्यू ट्विटर हो गया, या फिर न्यू हमारा गूगल प्ले का कोई अकाउंट हो गया। सो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। सो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमें इसको अनलिंक करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी हमारा ओल्ड सोशल मीडिया अकाउंट है उसे हमें अनलिंक करना पड़ेगा। एंड इस प्रोसेस में टोटल 6 से 7 डेज लगते हैं अनलिंक होने में। सो अनलिंक वाली वीडियो में देखो यहाँ पे थंबनेल दिखा रहा हूँ, अनलिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वही चीज़ें सेम दोबारा रिपीट करूँगा तो उसका कोई मीन नहीं बनता। मैंने अभी एक हफ्ते पहले वो वीडियो डाली है कि कैसे हम लोग हमारे सोशल मीडिया को अनलिंक या लिंक कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको अनलिंक वाली जाके वीडियो देखनी है, उसके बाद जाके देखनी है आपको लिंक वाली वीडियो। सो दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोनों के आप थंबनेल भी देख लीजिए, ये है अनलिंक वाले का थंबनेल एंड ये है लिंक वाले का थंबनेल। सो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे पहले अपनी ओल्ड सोशल मीडिया को अनलिंक करना है एंड उसके बाद आपकी न्यू सोशल मीडिया को लिंक करना है। तो ये एक टोटल प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 डेज लगेगा आपको अनलिंक होने में, क्योंकि अनलिंक होने में टाइम लगता है, उसके बाद लिंक होने में तो आपके मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड ही लगने हैं। तो आप इजीली ये प्रोसेस कर सकते हैं, इजीली आपके ओल्ड सोशल मीडिया को न्यू सोशल मीडिया अकाउंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। सो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।